हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं, तो चलिए आज का जो एक क्वेश्चन है हमने लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ओल्ड न्यू क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, मैं ओल्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी। तो ये ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, सिर्फ आपका रिविजन कराने के लिए जो ये वीडियो है मैं लेके आ रही हूँ। क्वेश्चन है कि गणितीय सोच में अंतरनात्मक और अचिंतनात्मक विचार किस तरह सहायता करते हैं। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस। गणितीय सोच में अंतर्ज्ञानात्मक और चिंतनात्मक विचार किस तरह सहायता करते हैं, ये देख लेते हैं। गणितीय सोच की योग्यता क्या होती है, यानी गणितीय जो गणित की सोच होती है उसकी योग्यता क्या हो सकती है। और आपके पीडीएफ का जो एक क्वेश्चन है उसे ले लेते हैं कि अंतर्ज्ञानात्मक और चिंतनात्मक विचार का उदाहरण दीजिए, ये गणितीय सोच में किस तरह सहायता करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। अंतरात्मक और चिंतनात्मक जो विचार होते हैं वो गणितीय सोच में किस तरह सहायता करते हैं। तो ये आज के वीडियो का आपका क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। और ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है इसमें, क्योंकि इस बार जो जिस तरह की पिछली बार क्वेश्चंस आए थे उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भी वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स नहीं बना रही हूँ। अब मैं हालांकि पिछली बार भी आपके पीडीएफ के ही क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने बहुत अंदर से डीपली क्वेश्चन निकाले थे। इस बार बिल्कुल भी डीपली क्वेश्चन अंदर से नहीं निकालूंगी, जो आपके बुक में है सिर्फ उसी को लूंगी। गणितीय सोच होती क्या है? तो देखिए, गणितीय सोच को जो प्रसिद्ध आपके हेबल वैज्ञानिक सॉरी गणितज्ञ थे, उन्होंने कुछ इस तरह से व्यक्त किया कि गणितीय सोच से मेरा अर्थ उस तर्क रूप से है जिसके द्वारा गणित बाह्य जगत के विज्ञानों में व्याप्त हो जाता है और यहाँ तक कि मानवीय संबंधों के बारे में प्रतिदिन के विचारों में भी व्याप्त हो जाता है। यानी उनका ये कहना था कि गणितीय सोच का मतलब सिर्फ गणित तक ही सीमित ना हो, कि जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट गणित पढ़ो तभी आप उसके बारे में सोचो, बल्कि बाह्य जगत यानी जो बाहरी जगत है, किताब की दुनिया का बाहरी जगत है, वहाँ पे भी आप गणित का यूज किया जाए। खासतौर पे आप अगर विज्ञान की बात करो तो उसमें 50% गणित ही यूज होता है। कोई भी थ्योरी, कोई भी समीकरण लागू करने के लिए गणित का यूज किया जाता है। तो मानव का जो जीवन है, जो बाहरी जगत है, जो संसार है, उसमें भी यही विचार व्यक्त किए जाए, उसमें भी गणित का जो है समावेश हो, गणित का यूज किया जाए, यही गणितीय सोच कहलाता है। यानी मानसिक योग्यता जैसे सटीकता से सोचना, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, तार्किक रूप से सोचना, व्यवस्थित रूप से सोचना, प्रतिरूपों से सामान्यीकरण करना हमारे वास्तविक जीवन की स्थितियों में अत्यधिक सहायता करता है, और ये सब गणितीय सोच की प्रक्रिया है। यानी किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से सोचना, सामान्यीकरण के द्वारा कोई फार्मूला है उसके तौर से सीखना। दो दो कितने होते हैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो चार होते हैं, आप सिंपली जवाब दे सकते हैं। लेकिन दूसरे मेथड से भी आपको बताया जा सकता है कि दो टॉफी आपके फ्रेंड के पास है तो वो दोनों को मिला के चार हो जाएगी। तो इस तरह से भी गणित के बारे में सोचा जा सकता है। गणित अधिगम साधन और साध्य दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, साधन और साध दोनों है, और यह तार्किक और मात्रात्मक ढंग से सोचने की योग्यता विकसित करता है। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित अधिगम बच्चों के भीतर से स्वयं उत्पन्न होता है। प्राइमरी लेवल की बात चल रही है, और इस प्रकार के अनुभव रुचिकर उनकी कल्पनाओं को चुनौती करने वाला होना चाहिए, ताकि कोई प्राकृतिक घटना अवलोकन करते समय वे गणितीय ढंग से सोच सके। यानी जब बच्चा प्राइमरी लेवल में होता है, छोटी क्लास में होता है, तो हर एक चीज़ के लिए उत्सुक होता है, और उसी तरह से वो मैथ के लिए भी होता है। लेकिन मैथ इस तरह की होनी चाहिए, गणित इस तरह की होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि अगर जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम आए तो उस समस्या का समाधान वो कर सके। क्योंकि मैथ में हर एक समस्या का समाधान ही तो हम निकालते हैं, हल ही तो करते रहते हैं मैथ में ना। तो अगर हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, लाइफ में आती है, तो हम उसका भी हल निकाल सके, और यही होता है आपका बाह्य जगत, ठीक है। अंतर्ज्ञान और चिंतनात्मक विचार विद्यार्थियों में गणितीय सोच को विकसित करता है। अंतर्ज्ञान यानी अंदर का जो ज्ञान होता है, और चिंतन के द्वारा जो ज्ञान हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ये गणितीय सोच को विकसित करते हैं। अंतर्ज्ञानात्मक विचार का अर्थ है स्थूल वस्तु के साथ प्रयोग के द्वारा सीखना, स्थूल तरीके से विभिन्न विचारों के अनुभव के द्वारा और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया विचार के आधार पर विचारों के दृष्टिगोचर के द्वारा सीखना। परंतु चिंतनात्मक विचार में
अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे अंतर्ज्ञानात्मक विचार क्या कहलाता है, ठीक है ना, इस चीज पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो अंतर्ज्ञानात्मक विचार का मतलब यहाँ पे होता है किसी वस्तु का जो प्रयोग करते हैं वो सामान्यीकरण के द्वारा करते हैं, यानी एग्जाम्पल के द्वारा समझा के प्रयोग के द्वारा किया जाना ही अंतर्ज्ञानात्मक विचार कहलाता है। अगर यहीं पे हम कहें चिंतनात्मक क्या होता है, चिंतनात्मक ज्ञान क्या होता है, दो तरह के ज्ञान होते हैं, ठीक है, एक तो आपका अंतर्ज्ञानात्मक हो गया, दूसरा चिंतनात्मक हो गया। चिंतनात्मक विचार में ये चीज आती है कि चिंतनशील विचार का अर्थ है स्थूल वस्तुओं के बिना विचारों के साथ तर्क करने के योग्य होना। चिंतनात्मक विचार का मतलब होता है डायरेक्ट तर्क करना, दो दो चार होते हैं, छः चार दस होते हैं, मतलब कोई एग्जाम्पल कोई प्रयोग उस पर नहीं करना, ये चिंतनात्मक विचार कहलाता है, ठीक है। चिंतनशीलता की प्रक्रिया में खोज करना या कल्पना करना, विचारों से संबंध रखना, यानी मान लीजिए कोई एक फार्मूला है, अब उसकी हमने खोज कर ली है, उसके बारे में हम थॉट सोच रहे हैं, अब हमको उस फार्मूले के तहत क्या करना है, जो समस्या है उसका समाधान कैसे करना है, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये सब चीज़ें जो है चिंतनशील यानी चिंतनात्मक विचार के साथ होती हैं। तो हमने देखा कि गणितीय सोच जो होता है उसमें दो चीज़ जो होता है अहम रखता है, गणित के अलावा जो है बाह्य जगत जो होता है उसमें भी गणितीय सोच होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है अंतर्ज्ञान यानी चिंतनात्मक, और दूसरा आपका है अंतर्ज्ञानात्मक, दो चीज़ें, ये दो चीज़ें होती हैं जो गणितीय सोच को बिल्कुल बदल के रख देती हैं। तो इसमें आप दो चीज़ें बस याद कर लीजिए, बाह्य जगत को आप एक्सप्लेन कर दीजिए और दूसरा ले लीजिए आप अंतर्ज्ञानात्मक और चिंतनात्मक ज्ञान, और इनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि गणितीय सोच समस्या समाधान और समस्या निर्माण से बना होता है, और गणितीय सोच में सटीक चिंतन और तार्किक विवेचना कौशल की आवश्यकता होती है। अगर आप ये भी दो लाइन लिख के स्टार्टिंग कर देंगे और इसके बाद आप जो बताया वो एक्सप्लेन कर दीजिए। और चलिए इसमें एक एग्जाम्पल भी मांगा के एक उदाहरण के द्वारा अंतरात्मक ज्ञान चिंतनात्मक ज्ञान को समझाइए सोच को। तो चलिए आइए देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इससे समझ लेते हैं चिंतनात्मक और आपका अंतर्ज्ञानात्मक विचार के लिए। इसे यदि आप ले लेते हैं तो दो चार लाइन इसके बारे में लिख के चिंतनात्मक अंतर्ज्ञानात्मक विचार और चिंतनात्मक विचार क्या होता है, फिर एज एग्जाम्पल आप समझा सकते हैं इस तरह से कि मान लीजिए बच्चे को 18 और 17 को जोड़ने के लिए कहा जाता है। बच्चे ने 18 छड़ी ली तथा 10 छड़ी एक बंडल तथा 8 छड़ी को खुला रखा, और उसके पश्चात उसने 17 छड़ी ली और 10 छड़ी का एक बंडल और 7 छड़ी को खुला रखा। अब उसके पास दो बंडल और 15 छड़ी खुली हुई बची, क्योंकि उन्हें दो एक बंडल दोनों में एक बंडल रखा और दोनों में एक एक खुला रखा। तो बच्चे ने पुनः 15 छड़ी में से 10 छड़ी का एक बंडल बनाया और 5 छड़ी खुली रख दी। अब उसके पास 10 छड़ी वाले 3 बंडल और 5 छड़ी खुली थी, अतः कुल जो छड़ी 35 हुई। इस चिंतन की प्रक्रिया में अंतर्ज्ञानात्मक विचार शामिल था। तो देखिए इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे 10, 18 और 17 को जोड़ना था, तो उसने क्या किया कि पहले उसने 18 छड़ी ली और 10 छड़ी का एक बंडल बनाया और 8 छड़ी को खुला रखा, और उसी तरह उसने 17 छड़ी ली और 10 छड़ी का एक बंडल बनाया और 7 छड़ी को खुला रखा। यानी उसके पास 10 छड़ी का बंडल और 10 छड़ी का बंडल यानी दो बंडल हो गए, और 7 छड़ी और 8 छड़ी उसने खुली रखी, तो कितने हो गए, 15 छड़ी जो है खुली थी। अब बच्चे ने अगेन काम करना शुरू कर दिया, जो 15 छड़ी ये छड़ी उसकी खुली हुई है उसने उसमें से 10 छड़ी का एक बंडल और बना लिया, तो अब 15 में से 10 कह दिए एक बंडल बना लिया, तो 5 छड़ी फिर खुली रखी रह गई उसके पास। तो अब उसके पास 10 छड़ी वाले 3 बंडल हो गए, क्योंकि 10-10 का उसने पहले दो बंडल बनाए थे 18 और 17 के लिए, और फिर उसने 10 का एक लेके और बंडल बना लिया, तो इस तरह से 3 बंडल हो गए और 15 में से जब 5 जो छड़ी बची थी वो खुली रह गई। तो इसे इस तरह कुल जो छड़ी 35 हो गई। अब देखिए 18 और 17 को ऐड कर दिया जाए, तो उसने डायरेक्ट इस तरह से ऐड करके नहीं बताया, और इस मेथड से जब किया गया तो हुआ उतना ही है। 18 और 17 कितने होते हैं, 35 होते हैं,
और कुल छड़ी भी 35 हो गई। तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया होती है ये अंतर ज्ञानात्मक विचार होता है। इसके अंतर कौन सा विचार शामिल है? अंतर ज्ञानात्मक विचार शामिल है। और इसके दूसरे तरह जब बच्चा स्थूल वस्तुओं का इस्तेमाल किए बिना संख्याओं को जोड़ता है तो वह चिंतनात्मक विचार प्रक्रिया का उपयोग करता है। यानी यदि हम पूछते हैं, आप पूछते हैं कि 17 और 18 कितने होते हैं, और डायरेक्ट आंसर दे देता कि 17 और 18 35 होते हैं, तो वह चिंतनात्मक विचार कहलाता। लेकिन उसने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया और उसने इतना कुछ जो कर दिया, बंडल लिया, लकड़ी लिया, छड़ी लिया, तो ये अंतर्ज्ञानात्मक विचार कहलाता है। तो यही होता है, सीखने की प्रारंभिक अवस्था में अंतर्ज्ञानात्मक विचार की अवधारणा बहुत उपयोगी होती है, परंतु जब बच्चा प्रक्रियाओं से परिचित हो जाता है तब चिंतनात्मक विचार की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी प्रारंभिक अवस्था में अंतर्ज्ञानात्मक विचार, जिस तरह की हम बच्चों को बोलते हैं, आप सिखाते हैं कि दो दो कितने होते हैं, शायद वो जवाब ना दे पाए, लेकिन यदि आप जब उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि दो टॉफी आपके पास है, दो टॉफी आपके फ्रेंड के पास है, अब कितनी हुई, उसने कहा चार हुई, तो ये होता है अंतर्ज्ञानात्मक विचार। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे ऊंची क्लास में जाता है और आप उससे पूछते हो पांच पांच कितना हुआ, बहुत इजी सा आसान सा जवाब दे देता है, 10 होता है, चिंतनात्मक विचार होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा मेथड दिया, आप एक एग्जांपल इस तरह के लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया है कि अंतर्ज्ञानात्मक विचार क्या होता है और चिंतनात्मक विचार क्या होता है।